नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आईडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसका सातवें सेट का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने करा दिया था। उसी का आज हम उसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बिंदु नियंत्रण तंत्र जो निम्नलिखित में केवल एक प्रचालन के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन ए भ्रमी कर्तन, ऑप्शन बी खरादन, ऑप्शन सी बरमाई, या फिर ऑप्शन डी अपघर्षण। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बरमाई यानी ड्रिलिंग, ठीक है। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के खंड का जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और कोण थीटा है, क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ए थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी थीटा अपान 180 गुणे पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, थीटा बटे 180 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आते हैं सर 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, मशीन के रूपण में द्रुत परिवर्तन का उपयोग करते समय स्ट्रोक धीमी गति से और परिवर्तन स्ट्रोक द्रुत गति से संचालित होता है। कर्तन स्ट्रोक और परिवर्तन स्ट्रोक के बीच अनुपात क्या है। ए 2:10, 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 5:3, या फिर ऑप्शन डी 3:5। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 3:2, ठीक है। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, अनियमित रूप वाला कार्यखंड खराद पर खरादा जाते हैं। निम्नलिखित किस कृतक ग्राही उपसाधन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए त्रिजबड़ा चक, ऑप्शन बी द्विजबड़ा चक, ऑप्शन सी चालन पट्टिका, या फिर ऑप्शन डी फलक पट्टिका। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट डी राइट आंसर होगा, फलक पट्टिका फेस प्लेट। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, ढलवा लोहे को मशीनन के समय शीतक द्रव्य होना क्या होना चाहिए। शुष्क वायु, ऑप्शन बी मिट्टी तेल, ऑप्शन सी MC ऑयल, या फिर ऑप्शन डी जल। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शुष्क वायु ड्राई एयर, ठीक है। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 3/5 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। इसमें आपका ऑप्शन 60 सही राइट आंसर होगा, ठीक है। ये एक बार बता भी चुके हैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल का वीडियो दिया है, उसे जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन, पासर ए वाला एक क्यूब सतह क्षेत्रफल है। ए 6a² b 6a, या फिर डी ए क्यूब, या फिर सी ए क्यूब, या फिर डी 3a². इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 6a², ठीक है। चलिए आते हैं 33 नंबर। नियमित षडभुज में अंतः कोणों सहित कोणों का योग है। ऑप्शन ए 720, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 480, या फिर ऑप्शन डी 120। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 720। आते 34 नंबर क्वेश्चन पे। एक माइक्रोन है। ऑप्शन ए 0.1 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 1 mm, या फिर ऑप्शन डी 0.01 mm। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, 0.001 mm। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है,
ए ग्राम प्रति सीसी, बी ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ग्राम प्रति सेकेंड, मतलब कि GMS, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, 60 सेंटीमीटर लंबाई के एक दंड को एक आयत बनाने के लिए बंकित किया जाता है। एक पासर 10 सेंटीमीटर है, दूसरा पासर है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। इसमें आपका ऑप्शन, इसको हम हल करवा के बताएंगे, ठीक है, हल करा के बताएंगे आपको बोर्ड पर, तब तो बता देंगे। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। लेथ हेड स्टॉक के तर्कुनाशा पर कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है? जर्नो टेपर, बर्न एन शार्प टेपर, पिच टेपर, या मोस्ट टेपर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, मोस्ट टेपर। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक मिलिंग मशीन में अनुभाजक शीर्ष का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मशीनिंग की गति कम करने, ऑप्शन बी सतह परिष्करण में वृद्धि लाने, ऑप्शन सी एक पिच सर्कल व्यास पर छेद ड्रिल करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मशीन की गति को कम करने के लिए। चलिए आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक गियर के एंडेडम का मतलब है? ऑप्शन ए गियर दांतों की ऊंचाई पिच सर्कल के ऊपर, ऑप्शन बी कुल गियर दांतों की ऊंचाई, ऑप्शन सी गियर दांतों का निष्कासन, या फिर ऑप्शन डी गियर दांतों की ऊंचाई पिच सर्कल के नीचे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, मिलिंग में प्राप्त फिनिश है, आप देख सकते हैं जो चित्र बना है उसे देखकर बताना है कि मिलिंग में प्राप्त फिनिश है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चार त्रिभुज की तरह जो है यही आपका मिलिंग में प्राप्त फिनिश है, ठीक है। चलिए आते 41 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे जैसे प्रवेधन दंड का लंबाई और व्यास के बीच का अनुपात बढ़ता है, दृढ़ता ऑप्शन ए बढ़ती है, बी वैसी रहती है, सी घटती है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बढ़ती है। चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। मीटरी चूड़ी का कोण है, ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 57.5 डिग्री, या फिर ऑप्शन सी 60 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 45 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन, मीटरी चूड़ी का कोण पूछा है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन 60 होगा, क्योंकि मीटरी नहीं है, वो मैट्रिक पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैट्रिक का कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आते 43 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र की भरमाई के लिए प्रयुक्त तो बर्मा का समान बिंदु कोण है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन बी 90, या फिर ऑप्शन डी 118। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का, 118, ठीक है। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, कार्बाइड औजार HSS औजार से बेहतर है क्योंकि ए वह अधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, ऑप्शन बी उसमें उच्चतर इस्पात आयु है, या फिर ऑप्शन सी उच्चतर कर्तन गति पर उसका उपयोग किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी उपरोक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे, कोण के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ऑप्शन ए गुनिया, स्लिप गेज, ऑप्शन सी बेवल प्रोटेक्टर, या फिर ऑप्शन डी कैलिपर। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। चलिए आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे।
समूह भ्रमी कर्तन का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए कठोर वस्तु की मशीनन, ऑप्शन बी मृदु वस्तु की मशीनन, ऑप्शन सी मशीनन का द्रुत गति से मशीनन, या फिर कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मशीनन का द्रुत गति से मशीनन। ठीक है, चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन के प्रयोग से निम्नलिखित लाभ होते हैं। ऑप्शन ए बेहतर बीमिंग नियंत्रण, ऑप्शन बी अधिक निर्गम, ऑप्शन सी प्रचालक का कम ध्यान, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्थायिक का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए स्थायिक का उपयोग किस लिए होता है? औजार के निर्देशन, बी है जॉब को कसने, सी औजार के निर्देशन को कसने, और डी है कोई। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जॉब को कसने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी मोटर गाड़ी में दो पहिए वाइपर, ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का है, इसको भी हम आपको बाद में करा देंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन, ढलवा लोहे की खरादन के लिए अधिकतम कर्तन गति के साथ खरादन के लिए कौन सी औजारी सामग्री उपयुक्त है? ऑप्शन ए हीरक, ऑप्शन बी स्टेलाइट, ऑप्शन सी सीमेंटीकृत कार्बाइड, या फिर ऑप्शन डी HSS। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, HSS, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।